अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट एक सिंपल तरीके से और एक न्यूट्रेला फिल्ड। इसके लिए सबसे पहले हम 3 अदद अंडे लेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे इसमें 6 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। दार चीनी का पाउडर है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। वनीला शामिल करेंगे 1 छोटा चाय का चम्मच। शहद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। और मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे 6 खाने के चम्मच। मैं अंदाजे से ऐड कर रही हूँ, आप टेबलस्पून से ऐड करें। अब हम अच्छी तरह से बीट करेंगे अंडों को। अच्छी तरह से बीट करके हम एक साइड पर रखेंगे। अब हम ब्रेड लेंगे, तकरीबन 7-8 अदद आप ब्रेड ले लें। इस तरह आप एज अ होल भी ले सकती हैं और इस तरह करके कटर की मदद से आप कट भी लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे, ये आप देख सकती हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रेड इस तरह करके कट कर लिए हैं क्योंकि बच्चों को बना कर देने हैं। तो अब मैं इसके ऊपर न्यूटेला लगा रही हूँ। आप फ्रूट जैम भी लगा सकती हैं या फिर जो स्वीट चीज़ होती है तो आप उससे भी इसकी फिलिंग कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप किनारे हटा दें। इस तरह हम इसके ऊपर लगाएंगे न्यूटेला लगा दें या फिर फ्रूट जैम लगा दें, जो भी बच्चों को पसंद हो। और दूसरा स्लाइस हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह हम दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे और साइड पर रखेंगे। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। जो दूसरा स्लाइस है इसके ऊपर भी मैं न्यूट्रेला लगा रही हूँ। न्यूट्रेला लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर स्लाइस रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे एज इज भी फ्राई कर सकती हैं। मैं यहाँ पे इसे कटर से कट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को बनाकर जब हम देते हैं इस तरह की चीज़ें तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो कोई सा भी कटर हो आपके पास तो इस तरह आप बिस्किट कटर से इसको कट कर लें। सिंपल बनाने हो तो आप सिंपली इस ब्रेड को कट करके मिक्सचर में डिप करें। और अगर आपको इस तरह करके न्यूटेला या फिर चीज़ वगैरह से फिल करके बनाने हो तो आप फिल करें और उसके बाद इस तरह कटर की मदद से कट कर लें। तो ये मैंने कट कर लिए हैं, अब ये रेडी है फ्राइंग के लिए। ब्रेड को हम उठाकर डिप करेंगे मिक्सचर में इसी तरह। अगर बच्चों को किनारे पसंद ना हो ब्रेड के तो आप इसे कट करके धूप में सुखा के आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकती हैं। तो ये हम मीडियम हीट पर इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना फ्राई पैन में, बस थोड़ा सा शैलो फ्राई हमने करना है। तो ये सिंपल है इस तरह, ये सिंपल में जो मैंने ब्रेड कट करके रखे हुए थे तो इस तरह मैं अंडे के मिक्सचर में डिप करके इसे फ्राई कर रही हूँ। और दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने पर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये एक तैयार, इसे डिश आउट करेंगे। इसी तरह हम सारे डिश आउट कर लेंगे। और जो अब न्यूटेला फिल्ड थे हमारे वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से इसका कलर आने तक हम इसे दोनों साइड से फ्राई करके डिश आउट करेंगे।
तो ये आप बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में दे सकती हैं और आप खुद भी नाश्ते में इसे सर्व कर सकती हैं या फिर टी टाइम में। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच टोस्ट हमारे तैयार हैं, तो आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।